name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about some of my favorite products that are just under ₹299 only. मैंने makeup, body care, skin care category में से सारे ऐसे products ढूंढ के निकाले हैं जो आपको just under ₹299 मिलते हैं. सस्ते हैं but at the same time ये आपको बहुत अच्छी quality offer कर रहे हैं. So budget friendly तो है ही but top quality भी है और ये सारे मेरे favorite हैं. So आज की video में आपको काफी सारा Kashika ज्ञान मिलने वाला है. So without any further ado, let's get started. Starting with the most affordable gem, which is this Mars Seal the Deal Makeup Fixer. ₹299 में आपको एक makeup setting spray मिल रहा है, मतलब what else you want. And इसकी एक dewy finish है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैंने इसका कशी quick review किया था अपने Instagram पर. If you don't follow me on Instagram, please जाओ यार मेरे reel section को check करो. मैं वहाँ पर बहुत सारे कशी quick reviews करती हूँ. I love it. मतलब काफी बार होता है मेरे को अपने MAC के setting spray से better ये लगता है, because वो वाला भी ना काफी matte है, मेरी skin crack हो जाती है. काफी days हमारे ऐसे होते हैं कि skin हल्की हल्की dry side feel हो रही होती है, लेकिन इसकी जो dewy finish है ना वो इतनी अच्छी है. अगर आप कुछ अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा मेकअप फिक्सर देख रहे हो ना, बिकॉज अभी मॉनसून है, गर्मी है, आप कोई वेडिंग फंक्शन भी अटेंड करते हो ना, एकदम पसीना पसीना हो जाता है, मास्क पर काफी ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, तो एक अच्छी क्वालिटी का मेकअप फिक्सर लेना जरूरी है. इसका मिस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब इतना फाइन इसका मिस्ट आता है ना जो अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाता है. ₹299 का है, लेकिन उससे अंडर भी आपको काफी बार अमेजोन पे मिल जाता है. मार्स के साथ मेरा कूपन कोड है Kashika10, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाता है. दिस इज रियली नाइस. दिस इज ड्यूई फिनिश, लॉन्ग लास्टिंग, बज प्रूफ डिजाइन इन इंडिया. आई थिंक इट इज वर्थ योर पे. सो सिंस हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो एक और मेरा रीसेंट फेवरेट है मार्स कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में से, वो है ये मार्स का काजल इन द शेड गोल्डन आर. सो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, जस्ट लग्जूरियस, मतलब आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये ₹299 का. यू गेट दिस बॉक्स सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग और ऐसे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं. इनके काफी सारे कलर रेंज है बाय द वे, लेकिन मुझे ये गोल्डन आर शेड बहुत अच्छा लगा. सो इसका नाम है वोंट स्मच वोंट बज काजल. दिस इज हाउ द पेंसिल लुक्स लाइक. अगेन वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी पैकेजिंग एंड दिस इज हाउ दिस गोल्डन आर कलर लुक्स लाइक. लुक एट दिस, इट इज सो सो प्रिटी. आप इंडियन लुक क्रिएट करना चाहते हो ना, आप कोई भी लिप एंड चीक टिंट ले लो, थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर लो आईज पे और इसकी एक लाइन बना लो, खाली एज अ लाइनर यूज करो. ट्रस्ट मी, ब्लैक लाइनर के कंपैरिजन में जो गोल्डन की लाइन है ना वो इतनी पॉपिंग लगती है, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है. आप इसे इनर कॉर्नर हाईलाइट कर सकते हो, आप इसको ऐसे अप्लाई करके स्मच करके वो भी कर सकते हो, आई शेडो लुक बना सकते हो. एंड बाय द वे ये पेंसिल जो है वो स्मच प्रूफ है, तो ये मत सोचना आप इसको एज अ लाइनर यूज करोगे तो वो ग्लिटर सारा फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. जब ये अच्छे से ड्राई आउट हो जाती है ना तो ये बिल्कुल स्मच प्रूफ होती है, ये इतनी ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती. मेरे पास इसका एक व्हाइट कलर भी रिसीव हुआ था, वो मैंने अभी तक इतना यूज करना शुरू नहीं किया, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ न्यूड काजल, उसको मैं फिनिश अप करूंगी तो इसका व्हाइट कलर खोलूंगी. वो भी काफी अच्छा स्मच प्रूफ था बिकॉज मैंने उसका स्वॉच किया था. बट दिस इज रियली नाइस. इसकी रेंज आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, इनके और भी कलर्स आते हैं. अगेन दिस इज फॉर जस्ट ₹299, विच इज डेफिनेटली अ स्टील. लेट्स टॉक अबाउट बॉडी केयर कैटेगरी नाउ. मैंने जब से जिम ज्वाइन करना शुरू किया ना, बिकॉज जिम में पसीना इतना आता है, हम काफी बार पॉलिएस्टर के सिंथेटिक के कपड़े पहनते हैं, तो बॉडी पर ना रैशेस जैसा हो जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेग्स पर मुझे काफी बार थोड़े से बंपी बंपीनेस हो जाती है. मैं शेव करती हूँ तो अगर मैं एक्सफोलिएट नहीं करती तो शेविंग इतनी स्मूथ अचीव नहीं होती. सो आई रियली लाइक माई बॉडी वॉशेस टू हैव एक्टिव्स इन इट. और अगर आप वो लग्जूरियस फैंसी खुशबू वाले बॉडी वॉश यूज कर लोगे ना, तो आपको खाली अच्छा फील कराते हैं, वो आपकी बॉडी पर स्पेसिफिकली कुछ नहीं इतना कोई वर्क करते. सो आई वुड से अगर आप स्किन केयर में भी एक्टिव्स यूज करते हो ना, तो आप बॉडी केयर में भी एक्टिव्स यूज करना शुरू करो. एंड फॉर दैट आई हैव दिस डर्माको बॉडी वॉश, सुपर सुपर अफोर्डेबल. मतलब जब मैंने इसका प्राइस देखा था, आई वाज माइसेल्फ शॉक कि आपको इतनी अच्छी क्वांटिटी जस्ट फॉर ₹299 मिल रही है, और इसके ऊपर डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाता है. सो इन्होंने लिखा भी हुआ है ₹1.2 पर ml. तो अगर आप थोड़ा सा एक पंप यूज करोगे ना, तो आप खाली ₹1 जितना यूज कर रहे हो, विच इज सुपर अफोर्डेबल. सो ये इनका 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक. वेरी वेरी नाइस, इजी टू यूज पैकेजिंग है बिकॉज यहाँ पे पंप आता है. सो ये रफ और बंपी स्किन के लिए, अगर आप शेविंग करते हो या फिर वैक्सीन से आपको बंपी स्किन हो गई, काफी बार लोगों को यहाँ पे बंपीनेस होती है, लेग्स पर होती है, हैंड्स काफी बार ऐसे रफ रफ फील होते हैं. सो आई वुड से ज्यादा कोई स्क्रब रगड़ने से अच्छा जो आपकी स्किन को और सेंसिटिव कर देगा, आपकी स्किन पर रैशेज दे सकता है. बहुत लोगों को नहीं सूट करता ऐसे बॉडी स्क्रब, तो आप केमिकल एक्सफोलियंट की साइड जा सकते हो. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट बॉडी वॉश. इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है. सैलिसिलिक एसिड नहीं, अगर आपको पता है, इट इज अ BHA, विच इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो डीपली जाके जो भी गंक होता है, डर्ट होता है, उसको निकालता है, आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करता है. फिर इसके अंदर AHA भी है, जो है ग्लाइकोलिक एसिड. AHA का काम होता है टॉप लेयर से जितनी भी डस्ट होती है, जो डर्ट होती है, बेसिकली डस्ट बोला मैंने, डर्ट जो होती है बेसिकली आपकी बॉडी पे, उसको रिमूव करता है. सो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अच्छे से आपकी बॉडी को क्लेंस करता है. प्लस इसके अंदर पेंटाविटिन भी है. पेंटाविटिन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन देना. सो ये जो इंग्रीडियंट है, ये आपको 24 आवर्स की हाइड्रेशन देता है. आपको इसको यूज करने के बाद ऐसी नहीं लगती आपकी बॉडी ऐसे सूखी सूखी स्ट्रेची हो रही है. नाउ देयर आर डेज जब मेरा
बॉडी वॉश यूज करने का मन नहीं होता, लाइक जिम नहीं गई, इतने कोई पसीने नहीं आ रहे, या फिर मेरा मन नहीं आ लूफा से नहाने का, बिकॉज एवरीडे लूफा यूज करना भी इतना अच्छा नहीं होता. आप कहने की वो भी फिजिकल एक्सफोलिएशन में आता है और इतना जेंटल नहीं माना जाता. सो उन डेज में मैं यूज करती हूँ सोप. एंड द गुड न्यूज इज डर्माको के सोप बार भी आते हैं, आपको सेम रेंज के सोप बार मिलते हैं. इनका नाम है सैलिसिलिक एसिड प्लस चारकोल डेली सिंडेड सोप फॉर एक्ने एंड ऑयली स्किन. सो ये भी स्पेसिफिकली बना है बॉडी एक्ने के लिए, या फिर अगर आपकी बहुत ज्यादा ग्रीसी ऑयली स्किन है उसके लिए भी बना है. दीज सोप बार हैव सैलिसिलिक एसिड, चारकोल एंड दे हैव टी ट्री ऑयल एज वेल. सैलिसिलिक एसिड का तो अगेन काम होता है एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को फाइट करना, जो भी रैशेज और बॉडी पे बम्स होते हैं उसको हटाना. टी ट्री और चारकोल का काम होता है पोर्स को अनक्लॉग करना, सूद करना इन्फ्लेमेशन को, एलिमिनेट करना कोई भी ऑयल एंड बैक्टीरिया. सो इसका भी जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो एकदम परफेक्ट है बॉडी एक्ने या फिर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, बिकॉज ये भी आपकी स्किन को इरिटेशन नहीं देगा. अगर आप बॉडी वॉशेस नहीं यूज करना चाहते तो डेफिनेटली आप ये सोप यूज कर सकते हो. डर्माको की एक और रेंज आती है विच इज द 1% वाइटामिन सी डेली ग्लो बॉडी वॉश. इसके अंदर आपको कोजिक एसिड, आर्बुटिन, कर्क्यूमिन मिलता है जो बॉडी ग्लो के लिए है. बेसिकली अगर आपको डार्क स्पॉट्स है तो ज्यादा अच्छा एक ग्लो सॉर्ट ऑफ देता है. डेफिनेटली चेक आउट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट. कशिका 2022 कोड लगेगा उस पर, आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा. सो आपको 299 से तो और भी कम प्राइस पे इजिली मिल जाएंगे. सो डेफिनेटली दीज आर स्टील डील. इसके अलावा आप ले सकते हो Amazon, Nykaa, Flipkart से भी, लेकिन वहां पे डिस्काउंट कोड नहीं लगेगा. ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दे हैव अ यंग साइंटिस्ट थिंग. अगर आप कुछ भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलोंग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर, विच इज अमेजिंग. ओवरऑल डर्माको इज अ वेरी रिनोन सेफ ब्रांड, और फ्रेग्रेंस फ्री तो आप हो ही चुके हैं ना, तो कोई भी तरह का आपको रिएक्शन नहीं देने वाली. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इनके लिंक्स और जो भी डिटेल्स होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. अनदर स्टील डील इन बॉडी केयर कैटेगरी हैज टू बी दिस परफ्यूम बाय प्लम, या प्लम के ईडीपी इन द वेरिएंट हवाईयन रूम्बा. ये मेरा फेवरेट वेरिएंट है, मैं आई थिंक दो वीडियोस में अभी तक मेंशन कर चुकी हूँ, बट आई लव दीज यार. प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका जो प्राइस है वो है 295 ओनली, विच इज अगेन लेस देन 299, और अमेजोन पे इनकी वेबसाइट पे आपको और अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा. प्लम पे मेरा कोड भी लगता है कशिका 15 फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ, तो आपको उससे भी सस्ते प्राइस में मिल जाता है. सो गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो ना, इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड अफोर्डेबल टू. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. इट कम्स इन दिस स्प्रे सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग, सो इजी टू यूज भी. आप इसको अपने बैग्स में डाल सकते हो. इन्होंने बेसिकली ईडीपी बनाई ही बैग्स के हिसाब से, बिकॉज इनके साइज काफी छोटे हैं. इसका लिड एकदम स्ट्रॉन्ग और टाइट लिड है, तो कहीं ना कहीं से कोई भी लीकेज नहीं होने वाली. हवाईयन रूम्बा इज माई फेवरेट वेरियंट. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब एकदम बीची एक्वा, मतलब जो नाम रखा है ना एकदम गोवा वाली फील आती है उसको लगाते वक्त. सो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट. नाउ इन स्किन केयर कैटेगरी आई हैव अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड अवीनो. यह अवीनो का डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन. नाउ ये स्पेसिफिकली बना है ड्राई स्किन के लिए, बट मैं इसको काफी बार अभी भी यूज कर लेती हूँ जब मेरी स्किन गर्मियों में हल्की सी ऑयली सॉर्ट ऑफ होती है. बिकॉज जब मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मेरा मेकअप बहुत ज्यादा मैट हो जाता है, ड्राई ड्राई लगता है. तो काफी बार मेकअप करने से पहले मुझे ये मॉइस्चराइजर अच्छा लगता है, बट सर्दियों का तो ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है. दिस वन कॉस्ट रुपीज 270 रुपीज में आपको अच्छी खासी साइज की ट्यूब मिल रही है. अवीनो इज अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है. इट हैज नेचुरल कोलॉइडल ओट मील. मॉइस्चराइजेशन देता है 24 आवर्स के लिए. वैसे ये बॉडी लोशन है, बट आप इसको अपने फेस और बॉडी दोनों के लिए यूज कर सकते हो. मतलब ये स्पेसिफिकली बॉडी के लिए नहीं है, इट इज लाइक अ फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर. बट मुझे स्किन के लिए बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना लाइट है ना, स्किन में से इतनी जल्दी से ब्लेंड हो जाता हैवी फील नहीं कराता. स्किन रियली शाइन्स आफ्टर अप्लाइंग दिस वन. और अगर आपकी भी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन टाइप है, आपको मेकअप करते हो क्रैक होता है, आई वुड से एक अच्छा नरिशिंग ऐसा मॉइस्चराइजर लो जो एक अच्छी नरिशमेंट दे, सो दैट उसके बाद जब आप मैट कुछ भी लगाओगे ना, वैसे फटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, और एक अच्छी नरिशमेंट भी आपको बेस पे मिलेगी. फ्रेग्रेंस फ्री है ना, तो जिनकी भी एक्ने स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए भी सेफ है. कॉमेडोजेनिक नहीं है, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट अंडर रुपीज 299. नेक्स्ट अप वी हैव अ प्राइमर फ्रॉम इनसाइड. ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर जो दिखता है कुछ इस तरह से. इट इज अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ निक्स एंड एले गर्ल का प्राइमर, बिकॉज ये बिल्कुल उसकी जैसी लुक्स देता है. ये प्राइम प्रोटेक्ट मॉइस्चराइजिंग है, ये ऑयल फ्री प्राइमर है. इट इज लाइक अ स्ट्रेट अप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो आपको एकदम सस्ते प्राइस में मिल रहा है. सो दिस ऑल दिस प्राइमर लुक्स लाइक, एंड यू सी एकदम ट्रांसपेरेंट जो सिलिकॉन वाली फील होती है, एंड इसको लगाते जो स्किन पे एक स्मूथनेस आती है. आई हैव लॉट ऑफ एक्ने स्कारिंग, मतलब ऐसे छोटे छोटे मुझे आइस पिक स्कार्स हैं, थोड़ा सा आप एक बॉक्स स्कार है, तो मैं अगर ऐसा सिलिकॉन वाला प्राइमर नहीं यूज करती ना, तो फाउंडेशन अजीब से ऐसे पोरस दिखता है, फाउंडेशन के पोर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं. बट ये बहुत ब्यूटीफुली आपके पोर्स को एकदम फिल इन कर देता है, एकदम स्मूथनेस देता है आपको. अगेन इट इज जस्ट रुपीज 250. मैंने कलर बार का यूज किया हुआ है, मैंने एले गर्ल का यूज किया हुआ है जो 700-750 के आते हैं, बट ट्रस्ट मी 250 रुपीज का उससे बेटर काफी बार वर्क कर जाता है. अ वेरी अफोर्डेबल जेम. अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको यहाँ पे पोर्स के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, या फिर आपको एक्ने के छोटे मोटे गड्ढे हैं ना, और आपका
मेकअप इतना फ्लॉलेस नहीं लगता है, वुड से ये लगा के देखो, आपको ट्रस्ट में बहुत एक अच्छा डिफरेंस दिखेगा। ये मैं अपने काफी ट्यूटोरियल्स में मेंशन भी किया हुआ है, अप्लाई करके भी दिखाया हुआ है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय इट फ्रॉम अमेज़न। ये आपको 250 से कम का ही मिल जाएगा अमेज़न पे। इनके कॉम्बो आते हैं लाइक लिपस्टिक के साथ प्राइमर फ्री, ऐसा कुछ कॉम्बो आता है, आप वो लोगे तो बेटर डील मिलेगी। मैं ट्राई करूंगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँ, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अब आई हैव अ मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड लव अर्थ। ये भी मैंने अपने किसी मंथली फेवरेट में आई थिंक फीचर किया था और किसी ट्यूटोरियल में भी दिखाया था। सो ये लव अर्थ के मल्टीपॉट है, या लिप, चीक्स और आईलेट्स तीनों पर यूज कर सकते हो। और मेरा जो फेवरेट शेड है वो है ये किस एंड टेल। ये क्रीमी मैट फिनिश के, मतलब ये वैसे क्रीमी फील होते हैं लेकिन ये जब आप लगा लेते हो तो इतने डूई नहीं दिखते। और जो किस एंड टेल शेड है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। मतलब ये एज अ ब्लश, एज अ लिपस्टिक, एज अ आई शेडो, ये तीनों का काम करता है। मुझे ऐसी न्यूड पिंक कलर की ना लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगती है। काफी बार जब मेरा नई मन होता है लाइक नो मेकअप, मेकअप लुक करना है, मैं इसको अपने लिप्स पर भी लगाती हूँ। मेरे लिप्स काफी नेचुरल और अच्छे लगते हैं। सो अगर आपको भी ऐसे एक सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक चाहिए और आप इसको ब्लश की तरह भी यूज करोगे ना तो बहुत नेचुरल लगता है। वो एकदम पिंकी रेड कलर के जो ऐसे लिप एंड चीक टिंट्स आते हैं ना, वो काफी बार अजीब सा लाल लाल कर देते हैं, बट इसका जो कलर आता है ना वो बहुत नेचुरल आता है। वेरी इजी टू ब्लेंड, मतलब हाथ से इतना ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता, इट लुक्स वेरी नेचुरल। सो एक तो ये शेड मेरा फेवरेट है, और बाय द वे ये एक्सपेंसिव है, ये आपको 599 या फिर 499 समथिंग के, 500 के समथिंग के है, लेकिन ये हमेशा नायका और अमेजोन पे 50% ऑफ पे होते हैं, तो मैं इसको 250 ही कंसिडर करने वाली हूँ। आप इसको इजिली 299 रुपीज के अराउंड ग्रैप कर सकते हो। सो ये भी आपके बजट में ही आ रहा है। इसका एक और शेड है जो श्रेया जैन का ही फेवरेट है। इनफैक्ट श्रेया जैन की वीडियो देखने के बाद ही जब मुझे रिसीव हुए थे, मैंने सबसे पहले ये वाला सॉच किया था। ये है मल्टीपॉट इन द शेड वॉच मी स्ले। ये उन्होंने भी अपना फेवरेट बताया था, बिकॉज वो इनको एज अ कॉन्टोर काफी बार यूज करती है। सो वॉच मी स्ले जो शेड है वो दिखता है कुछ इस तरह से। इसका बहुत प्यारा एक ब्राउन टोन कलर है और ये काफी क्रीमी है, मतलब इसका जो टेक्सचर है ना, इट इज सुप्रीमली क्रीमी। अगेन अ वेरी नाइस न्यूड कलर। अगर आप न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाना प्रेफर करते हो ना, न्यूड ब्राउन सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। लाइक लुक एट दिस, इसको आप एज अ कॉन्टोर भी, लाइक आप फिंगर लो, ऐसे डॉट डॉट करो और ब्लश ब्रश या फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर दो, यू आर गुड टू गो। जो क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो अगर आप वेडिंग या पार्टी मेकअप करने वाले हो ना, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट पहले यूज करना और फिर इसके ऊपर पाउडर कॉन्टोर यूज कर लेना, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। So these two shades are my favorite. Number one is Watch Me Slay. Second is Kiss and Tell. You can definitely check it out from either Amazon or Nykaa. Next up, I have a makeup brush from the brand Cuffs and Lashes. ये मैंने सबसे पहला ब्रश लिया इनकी ब्रांड में से और मुझे काफी अच्छा लगा, सो आई थिंक मैं इनके और ब्रशेज लेने वाली हूँ। ये मैंने बहुत पहले Amazon से ऑर्डर किया था, लेकिन मैं इसको उठा के रख दिया और अब जाकर निकाला, एंड आई एम लविंग इट। अब Cuffs and Lashes पर्पल एक्सक्लूसिव हो चुका है, तो आप पर्पल से ले सकते हो, और फिलहाल ये पर्पल पे आपको अंडर ₹299 मिल रहा है। सो ये है पाउडर कॉन्टोर ब्रश, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो इसका एक बहुत अच्छा ऐसे कर्व है, प्लस इसका आप ये देखो, ये जो चीज है ना, ये एकदम परफेक्ट है। लाइक दिस इज नॉट ब्रॉड, और ये जो कर्व है ये बहुत अच्छा है। मेरा फेस ना बहुत छोटा है, तो जब मैं बहुत बड़े वाले ब्रशेज यूज करके ऐसे कॉन्टोरिंग करती हूँ ना, वैसे मोटा मोटा कॉन्टोर बन जाता है और वो पैची हो जाता है। आपको हमेशा अपने फेस साइज के हिसाब से ब्रशेज यूज करने चाहिए, तो ये जो एकदम स्लीक लुक है ना इसकी, वो एकदम परफेक्ट रहती है। मैंने एक संगीत गेट रेडी विद मी डाला था, आई थिंक वो लाइव जा चुका होगा मेरे चैनल पर अभी तक, उसमें भी आप देख सकते हो मैंने भामा मामा का पाउडर यूज किया था, इससे यूज किया था। इनफैक्ट मैंने ब्लश भी लगाया था ना, तो मैंने इससे ही लगाया था, बिकॉज इसके यहाँ वाले टिप से मैं ब्लश लगा लेती हूँ और इसके एज पे मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ, तो मेरा दोनों का काम हो जाता है। वेरी वेरी नाइस, इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं काफी टाइम से ऐसा ब्रश ढूंढ रही थी जो एकदम ऐसे स्लीक में हो और मुझे एकदम शार्प कॉन्टोर करे। मैं इसको अगर ऐसे भी पकड़ लेती हूँ ना, तो मैं नोज भी काफी अच्छे से कॉन्टोर कर सकती हूँ, ये वाला एरिया बहुत अच्छे से कॉन्टोर हो जाता है। सो दिस इज रियली नाइस, अगर आप कॉन्टोरिंग के लिए, छोटे फेस के लिए कुछ स्लीक ब्रश देख रहे हो ना, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब इट। नेक्स्ट अब आई हैव अ लिप ग्लॉस, जो मैंने अभी रीसेंट मंथली फेवरेट्स में फीचर किया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मतलब मैंने इसको इतना यूज कर लिया ना, मैं इसको 1 month में आई थिंक ऑलमोस्ट मिड तक भी अब खत्म कर दूंगी। सो ये है माई ग्लैम का केपले रेंज का फ्लेवर्ड लिप ग्लॉस। अगर आपको नहीं पता, माई ग्लैम की जो ऐप है, अगर आप डालोगे उसे, आपको अलग अलग ब्रांड्स मिलती है जो माई ग्लैम के अंडर ही आती है। तो उनकी केपले रेंज है जो काफी फ्रूटी, और मतलब इनके सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें ऐसे फ्रूट्स की ऐसे खुशबू आती है, टेस्ट आता है। ये भी फ्लेवर्ड लिप ग्लॉस है, इसमें एकदम फ्रूटी वाला, जो हम बचपन में कैंडीज खाते थे ना, इसका बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने शेड लिया था 05 पैशन फ्रूट, के इतना प्रिटी पिंक कलर का ग्लॉस है ना। अगर आपने मेरा मंथली फेवरेट नहीं देखा ना, तो उसमें मैंने स्वॉच किया था, आपने वो देखा नहीं होगा, बट लुक एट दिस, मतलब इट इज लाइक अ वन एंड डन लिप प्रोडक्ट। काफी बार हम लिपस्टिक लगाते हैं, फिर कोई ग्लॉस लगाते हैं, डबल डबल हो जाता हैवी चिपचिप फील होता है, बट ये बिल्कुल भी वो हैवी चिपचिपा वाला ग्लॉस नहीं है। ऑब्वियसली ग्लॉस है तो एकदम मैट तो होगा नहीं, ग्लॉसी फिनिश है, लेकिन वो एक होता है ना चिपचिपे वाले ग्लॉस होते हैं, ये वैसी फील नहीं देता, विच आई लव। मैं काफी बार जब इंडियन एथनिक का कोई लुक क्रिएट करती हूँ, लाइक कुर्ती पहन ली या फिर कुछ एथनिक पहन ली, मैं खाली लगाती हूँ,
एंड इट लुक्स सो गुड. अगर आप आई से भी कुछ ड्रामा ना करो ना तो ऐसा हॉट पिंक कलर एकदम बैलेंस आउट कर देता है, आपका फेस एकदम ग्लोई लगता है. मेरी स्किन टोन पर ये हॉट पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है. ये प्राइसी है, ये 600 समथिंग अबव का है, लेकिन मैंने कल भी एक कार्ट में डाल के चेक किया था. माइग्लैम एक तो ऐप बड़ी मस्त है, मतलब उसमें आप कुछ भी प्रोडक्ट कार्ट में डालो ना अपने आप कोड्स लग जाते हैं. पता नहीं कहाँ कहाँ के इनके अपने कोड्स होते हैं, अप्लाई हो जाते हैं. चीज़ें आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ में पड़ती हैं और काफ़ी बार आपको कोड्स वैसे भी मैसेज में भेजते रहते हैं. सो इसको जब मैंने कार्ट में ऐड किया था एक कोड अपने आप लग गया था और ये अंडर ₹299 लेके 305 समथिंग रुपीज़ का पड़ रहा था. ₹5 मैंने एक्सीड किया, बट यार बहुत अच्छा है, ले लो, ये काफ़ी अच्छा है. इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, दे हैव पर्पल, वाइन, डार्क कलर्स, रेड एज वेल. तो अगर आप कुछ एक स्पेसिफिक कलर का भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. दीज आर वेरी गुड एंड वर्थ योर पेनी. एंड फाइनली एट लास्ट आई हैव अ प्रोडक्ट फ्रॉम माई रीसेंट कोलैबोरेशन. अगर आपने मेरा संगीत गेट रेडी विद मी नहीं देखा जाकर देखो, उसमें मैंने कोलैबोरेट किया था लोटस हर्बल के साथ. मैंने सालों बाद फेशियल किट यूज़ करी और वो भी खुद, मतलब आई थिंक मैंने अपने कॉलेज फेयरवेल के टाइम कोई फेशियल कराया होगा. ऑलमोस्ट 3-4 साल लगा लो मैंने कोई फेशियल किट नहीं यूज़ करी, बिकॉज सब में स्क्रब्स आते हैं. इसमें भी स्क्रब है, बट द ब्रांड रीच आउट टू मी, दे वर लाइक अगर आप स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहते आप स्किप कर दो, आप वैसे तो फेशियल किट यूज़ कर सकते हो ना. आई वाज लाइक या व्हाई नॉट, मतलब किट तो मैं यूज़ कर ही सकती हूँ. बट अगर आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने स्क्रब भी इनका यूज़ किया था नोज़ पर और बहुत सही था. मतलब मेरी नोज़ पर जो ऐसे बंपीनेस थी ना वो बहुत अच्छे से चली गई थी. सो ये लोटस हर्बल की पार्टी ग्लो किट है, आपको वीडियो देखना, आपको पूरा उसमें ट्यूटोरियल मिल जाएगा. इसका प्राइस है 375, लेकिन ये अमेजोन पे ना जो डील ऑफ द डे आती रहती है ना, अमेजोन पे डील्स आती हैं, ये आपको 299 से अंडर का मिल जाता है. एंड द बेस्ट थिंग इज इसके अंदर आपको ऐसे ट्यूब्स मिलती है, इट इज नॉट दैट सैशेज, तो आप इजिली दो बार भी यूज कर सकते हो. मेरा फेस काफी छोटा है ना, तो एक बार में तो इतनी सारी कोई क्वांटिटी यूज नहीं होने वाली. खाली इनका जो पैक है वो यूज हो गया था, वो भी मेरी गलती थी, मैंने पैक सारा ही बना दिया. अगर मैं उसको हाफ भी बनाती ना मेरा फेस कवर हो जाता है. सो ये 300 रुपीज की किट भी अगर आपको मिल रही है ना, आप दो बार फेशियल कर सकते हो. सो 150 रुपीज पर फेशियल पड़ा, विच इज स्टील डील. आपको 5 स्टेप का फेशियल किट काफी सस्ते में मिल रहा है. मैंने पूरा यूज करके दिखाया था, मैंने उसके बाद भी चेक किया, कोई एलर्जी रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ. सो डेफिनेटली एक्ने स्किन के लिए भी सेफ है. आपको वीडियो जाकर देखना, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो दीज आर माई टॉप 10 पिक्स जस्ट अंडर ₹299 ओनली. इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक करना. इसके अलावा आप भी बताओ आपका क्या फेवरेट है जो जस्ट अंडर ₹299 आता है और जो स्टील डील है वर्थ योर पेनी है और क्वालिटी भी अच्छी देता है. आप भी अपने इनपुट्स दे सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर. कोई भी चीज़ अगर आपने ट्राई करी हो, किसी का रिव्यू देना हो, गुड बैड जो भी रिव्यू हो वो भी आप डाल सकते हो. यू आर ऑलवेज वेलकम. मैं हमेशा कहती हूँ कॉमेंट सेक्शन को भी एक अच्छा कम्युनिटी सेक्शन बना दो जहाँ पे लोग डिस्कस कर सके चीज़ें. सो कॉमेंट जरूर करना और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज. इंस्टाग्राम बहुत अच्छे शॉर्ट रिव्यूज मैं करती रहती हूँ, वहां पर भी जाके जरा मुझे फॉलो कर दो. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.